तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऊना पहुंचे और सीएम जयराम ठाकुर ने ऊना के चिंतपूर्णी माता के दर्शन किए। गगरेट विधानसभा को सीएम जयराम ठाकुर ने 199 करोड़ 52 लाख रुपए की सौगात दी। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे, तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आप देखिए, विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से, और फिलहाल वो अंब को संबोधित कर रहे हैं। और सीएम जयराम ठाकुर के संबोधन को भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, काम को करेंगे। जहां तक यहां पर बात कही, मैं देख रहा हूं कि अब खाना भी तैयार है और लोग उस दिशा में भी मूड बना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लंबा नहीं बोलना चाहिए। यहां भाई बलवीर जी को हमने पिछली कुछ योजनाएं जो थी उसके लिए मैं बधाई देता हूं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज हुआ है, और उसके साथ साथ में कुछ बातें यहां पर उन्होंने और कही हैं, उन बातों में से कुछ बातें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए जो जरूरी है, वो जो जरूरी है उसको हम जरूर करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और यहां जो कहा गया कि एक जल शक्ति सब डिवीजन बाढ़ नियंत्रण अम का अम जो है उसको जो है वो हमारा जो आईपीएच का जो हमारा जो अम का जो डिवीजन है उसमें उसको शामिल किया जाए, यानी कि उसको भी उसमें जोड़ा जाए, तो मैं आप सबके बीच में ये कहता हूं, आपकी इस मांग को मैं स्वीकार करता हूं, उसको मर्ज कर देंगे ताकि आपके इलाके में उसकी सुविधा जो है जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो है आप सबको बेहतर ढंग से मिल सके। उसी प्रकार से आगे एक बात और कही गई है, तो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण मंडल भरवाई के अंतर्गत सोहारी में कनिष्ठ अभियंता जेई का कार्यालय खोलने की बात कही गई है, और इस मांग को भी मैं स्वीकार करता हूं। यहां पर जेई का सेक्शन जो है उसको खोलने की मैं घोषणा करता हूं, उसको खोल दिया जाएगा ताकि यहां और बेहतर ढंग से आप काम कर सकें। उसके आगे एक और बात कही है, जो युधिष्ठिर महादेव कल मेरा जो सदाशिव मंदिर को रोपवे बनाने की जो बात कही गई है, उसका सर्वे उसको एग्जामिन कर लेंगे कि सर्वे वगैरह उसका करके, और ये अगर फिजिबल पाया जाता है उस पर विचार करेंगे, लेकिन पहले फिलहाल उसको हम एग्जामिन कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए पहले हम सीधे कह रहे हैं वो संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर सर्वे में सारी चीजें ठीक आती हैं और उसमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकलता तो निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके बाद एक बात और कही है, तो राजकीय उच्च विद्यालय गवर्नमेंट हाई स्कूल किन्नू, उन्होंने कहा कि इसको इसका दर्जा बढ़ा करके इसको देखिए एक और भी डाल दिया इसमें, एक पलाउन है, पलाउन भी साथ में है। इन दो स्कूलों को अपग्रेड करने की जो बात कही है, हाई स्कूल से इनको प्लस टू करने की बात कही है, मैं दोनों स्कूल को अपग्रेड करके प्लस टू करने की यहां पर घोषणा करता हूं, और ताकि बच्चों को यहां पर अच्छी पढ़ने की सुविधा मिल सके। और उसी तरह एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लोअर अंदौरा बदायूं को जो है उसको अपग्रेड करने के लिए हाई स्कूल करने की बात कही गई है, इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल करने की भी यहां पर मैं घोषणा करता हूं, ताकि वहां पर बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके पढ़ाई करने की। और इसी तरह से राजकीय प्राथमिक पाठशाला टहड़ा कला को अपग्रेड करने की बात कही गई है, इसको मिडिल स्कूल बनाना है, तो इसको प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल बनाने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि वहां पर बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके। और इसी तरह से आगे एक बात जो है, वो प्राइमरी स्कूल मांगा है आपने, कुठेरा मेला और कैंक दो जगह बोला है, ये दोनों जरूरी है क्या? तो सामने तो बोल नहीं रहे, अब इनको देख करके बोल रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि ऊना एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत कठिनाई नहीं बच्चों को, छोटे बच्चों को आने जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मांग की है
ये दोनों स्कूलों को प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे, दोनों प्राइमरी स्कूल को बनाएंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ। और उसके साथ साथ में एक और सहायक प्राथमिक पाठशाला जो हमारा सपौरी है उसको प्राथमिक सेंट्रल स्कूल जो है गवर्नमेंट प्राइमरी सेंट्रल स्कूल जो उसको बनाने की बात कही गई है। और इसके लिए होता तो वैसे रिपोर्ट होती है, उसके व्यवहारिक रूप से मुझे मालूम नहीं आपने एग्जामिन कर लिया कि नहीं कर लिया है। मैं इसकी जैसे इसकी रिपोर्ट आती है, इसकी रिपोर्ट आए और उसके बाद सेंट्रल स्कूल के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की रिक्वायरमेंट जो है इसकी सारी औपचारिकता पूर्ण होती है तो निश्चित रूप से इसको गवर्नमेंट प्राइमरी सेंट्रल स्कूल जो है उसको बनाने की भी हम मांग को पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आगे बढ़कर के एक बात और कही गई है कि जो है हमारा राजकीय महाविद्यालय अम्ब है और यहाँ पर सोशियोलॉजी की क्लासेस जो है पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस जो है लगनी चाहिए। इसके बारे में भी मैं यही कहूंगा कि मुझे मालूम नहीं कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर, कितने बच्चे हैं, 1800 बच्चे हैं। और सोशियोलॉजी में अगर अच्छी स्ट्रेंथ होगी तो इसकी जैसे इसकी भी मैं रिपोर्ट मंगवा लूंगा और रिपोर्ट आने के बाद जो है एम ए सोशियोलॉजी की क्लासेस जो है अगर ये उसमें फिट बैठती है नॉर्म्स के मुताबिक तो निश्चित रूप से इसको भी करेंगे, ये भी आपके बीच में कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। और उसी तरह पशु औषधालय ठक्ठल और चकसराय को ये दोनों वेटनरी डिस्पेंसरी है दोनों को अपग्रेड करने की बात कही गई है। और उसमें वीरेंद्र कंवर जी कुछ पीछे बोल रहे थे कि हाँ हाँ ये तो होने ही चाहिए, मैंने कहा हाँ होने चाहिए, महकमा आपके पास है और आपके पास है तो आप तो बोलेंगे क्योंकि वकील साथ लाए हैं। भाई अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा कि जो मांगे उन्होंने कही है, मैं एक लाइन में बात कह दी कि सारी की सारी मांगे जो है बहुत जरूरी है और मैं इनकी जो है वो इनका समर्थन करता हूँ। तो जो वकील खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए दोनों सारी चीजों को जो इनने कही है उनको पूरा करते हैं। और एक और जो है सापोरी में ग्राम पंचायत बेहद जसवा में कहा गया कि यहाँ पटवार सर्कल नया बनना चाहिए, तो ये नया पटवार सर्कल भी आपको बना करके देंगे ताकि वहां आपके रेवेन्यू के इश्यूज को लेकर के जल्दी से सुविधा एक जगह हो सके। और उसी तरह से ग्राम पंचायत सूरी में हेल्थ सब सेंटर की बात कही गई है तो हेल्थ सब सेंटर भी आपके यहाँ पर हम खोल देंगे ताकि वहां उस इलाके में क्योंकि बताया गया थोड़ा दूर है कठिन है तो वहां पर इसकी सुविधा मिल सके, इसको भी पूरा करेंगे। एक और जो बात कही गई है फायर सब स्टेशन हम है यहाँ पर उसको अपग्रेड करना है, फायर सब स्टेशन से उसको फायर स्टेशन बनाना है, उसको फुल फ्लैज बनाना है, पूरा बनाना है। तो हम इस बात से भी सहमत हैं कि फायर सब स्टेशन को अपग्रेड करने की इस औपचारिकता को पूरा करने से यहाँ जितने भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसमें आने वाले समय में उसका उपयोग रहेगा